की अग्रणी भूमिका है इस नियोजन मेला को यहाँ आयोजित करने के लिए। सबसे पहले मैं इस नियोजन मेला के जो इसकी तैयारी के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत की है हमारे जिला नियोजन पदाधिकारी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ श्रम नियोजन विभाग के अन्य पदाधिकारी जो मौजूद है, हमारे अलग अलग जगहों से आए हुए जो हमारे नियोक्ता हैं, जो हमारे लखीसराय के नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं और उनके लिए आशा की किरण दिख रहे हैं, मैं उन सभी अपने नियोक्ता जो कंपनियां हैं या उनके प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करता हूं। और मुख्य रूप से मैं यहां आए हुए लखीसराय जिला के सभी वो अभ्यर्थी जो यहां अपनी उम्मीद लेकर नियोजन के दृष्टिकोण से यहां आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां हमारे इस नियोजन मेला में हमारे प्रेस और मीडिया के जो प्रतिनिधिगण हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि जो नियोजन मेला है उसका पल पल वो अपने कैमरे में या अपने न्यूज़ के माध्यम से आम जन को प्रचार और प्रसार करें, ताकि आम जन को जानकारी हो कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग मौके पे नियोजन मेला का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। और जो भी हमारे लखीसराय जिला के बच्चे हैं, हमारे नवयुवक हैं, हमारी नवयुवतियाँ हैं, वो आगे आने वाले समय में भी जो नौकरी के लिए अपने नियोजन पाने के लिए जो प्रयासरत हैं, उनको निश्चित रूप से एक ठोस आयाम मिलेगा। और हम लोग का प्रयास हमेशा होगा कि हम आने वाले समय में लगातार इस तरीके का मेला आयोजित करें। यह प्रांतों से जो विभिन्न नियुक्ता कंपनियां हैं, हम लोग उनको बुलाएंगे और हमारे लखीसराय के बच्चों को हम लोग लाभान्वित करेंगे। मैं जो यहाँ के हमारे आज के दिन में अभ्यर्थी हैं लखीसराय जिला के, हो सकता है आप अपनी उम्मीद लेकर आए होंगे कि हम यहाँ पे आज जो नियोजन का मेला यहाँ आयोजित है उसमें अलग अलग कंपनियों के यहाँ जो हमारी इच्छा है उसके अनुरूप अपने नियोजन के लिए प्रयास करें। संभवतः अगर कंपनियाँ आपको चुन लेती हैं तो मैं आपको अभी से अग्रिम रूप से बधाई देता हूँ, लेकिन यदि नहीं भी चुनती है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका ही है। आपको प्रयास निरंतर जारी रखना है। और जो अभी सबसे पहले जो हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि ये नियोजन मेला भी है और मार्गदर्शन मेला भी है, मार्गदर्शन का अभिप्राय ये है कि आपको ये जानकारी हो कि किस तरीके से आप अपने आप को नियोजन के लिए तैयार कर सकें। आप देखते होंगे कि जहाँ भी हम लोग यहाँ से बाहर प्रदेश में जाते हैं किसी कंपनी में, वहाँ सबसे पहले हम लोगों के लिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जाएं, उनको उनसे बात करें और बेझिझक, जिसको बोला जाता है आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर उनसे बातचीत करें, ताकि वे हमारे बातों से भी प्रभावित हों। उसके बाद